हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अपने फ़ोन से किसी दूसरे फ़ोन का जीमेल अकाउंट साइन आउट यानी लॉग आउट करना सीखेंगे। मतलब कि सपोर्ट डेट, मान लीजिए मेरा ये वाला जीमेल classicadviceforyouratgmail.com किसी दूसरे के मोबाइल या डिवाइस में लॉगिन है, तो उसे मैं अपने फ़ोन के द्वारा उसे कैसे लॉग आउट कर सकता हूँ यह जानेंगे। तो उस जीमेल को लॉग आउट करने के लिए आपको वो वाला जीमेल इस डिवाइस में लॉगिन होना चाहिए। तो मेरा वो वाला जीमेल इस डिवाइस में लॉगिन है, classicadviceforyouratgmail.com। तो चलिए मैं उस डिवाइस से इस जीमेल को लॉग आउट करता हूँ। तो उसको लॉग आउट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद से मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इधर राइट की ओर स्क्रॉल करना है, उसके बाद से यहाँ सिक्योरिटी वाले बटन पर क्लिक करना है, टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, योर डिवाइसेस, और डिवाइसेस के नीचे यहाँ मैनेज डिवाइसेस पर क्लिक करना है। मैनेज डिवाइस पर क्लिक करने के बाद अब आप कहाँ कहाँ साइन इन वो बता देगा यहाँ पे। जैसे ये रेडमी नोट 8 में साइन इन है और सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस में साइन इन है, और आप कहाँ कहाँ लॉग आउट किए हैं, आप किस किस डिवाइस में लॉग आउट किए हैं। तो विंडोज़ एनटी में हमने 50 नंबर को लॉग आउट यानी साइन आउट किया है, तो ये सब बता देगा। तो आपको पता करना है कि अभी हमारा ये जीमेल किस किस डिवाइस में लॉगिन है। तो अभी ये वाला जीमेल दो डिवाइस में लॉगिन है, एक रेडमी नोट 8 में, जो अभी जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें एक लॉगिन है रेडमी नोट 8 में, और सेकेंड वाला सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस में लॉगिन है। तो हम इस मोबाइल में इस जीमेल को लॉग आउट कर देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ थ्री डॉट्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थ्री ऑप्शन दिखेंगे, साइन आउट, फाइंड फोन और डोंट रिकॉग्नाइज दिस डिवाइस। तो सिंपली आपको साइन आउट करने के लिए यहाँ लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ साइन आउट पर क्लिक करना है। तो साइन आउट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको फिर से साइन आउट पर क्लिक करना है, और साइन आउट पर क्लिक करते ही ये वाला जीमेल उस डिवाइस से लॉग आउट हो चुका होगा। और मेरे ईमेल पे एक मैसेज भी आ गया है, सिक्योरिटी अलर्ट, कि आपका ये वाला सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस वाज साइन आउट, यानी ये वाला जीमेल इस डिवाइस से आपका साइन आउट हो चुका है। आप यहाँ से इस एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, ओके, और इसको अप्रूवल दे सकते हैं। चलिए मैं चेक करता हूँ। तो देखिए, सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस साइन आउट, और अभी वर्तमान में रेडमी नोट 8 में लॉगिन है। अब यहाँ से अगर आप डू यू रिकॉग्नाइज दिस डिवाइस, अगर आप ये नहीं किए हैं तो नो सिक्योर अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ही ने इसे लॉग आउट किया है तो आप यस इट वाज मी पर क्लिक कर देंगे, ओके, और ये टेक सिक्योरिटी चेकअप, यानी ये आपका काम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ टेक सिक्योरिटी चेकअप पर क्लिक करना है, और यहाँ से देख सकते हैं योर डिवाइस, आपका डिवाइस केवल ओनली वन डिवाइस में साइन इन है, और आप इसे तीन तरह से रिकवरी कर सकते हैं। मतलब ये कुछ सिक्योरिटी टिप्स दे रहा है, तो इसे छोड़िए, हमारा जीमेल लॉग आउट हो चुका है, ओके। तो हमारा जीमेल लॉग आउट हो चुका है, ओके, और मेल भी आ चुका है हमारे ईमेल पे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप अपने जीमेल को किसी दूसरे के डिवाइस से लॉग इन कर सकते हैं। तो होप यू यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।